हाय माय डिवास, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? मैंने बहुत दिनों से कोई वीडियो अपलोड नहीं किया है, इसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी। एक्चुअली मैं अपने नए घर की शिफ्टिंग में बिजी थी, बहुत टाइम लग गया और काफ़ी टाइम से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाई हूँ, लेकिन अभी मैं रेगुलर रहने की पूरी कोशिश करूँगी। वीक में 2 वीडियोज़ मैं ज़रूर अपलोड करूँगी। सो इतने सारे कलर्स देख के आपको आइडिया हो गया होगा कि इस मानसून सीज़न में मैंने ये रेनबो आई मेकअप लुक क्रिएट किया है, जिसमें आप देख सकते हैं कि बहुत सारे कलर्स अप्लाई किए हैं। तो समर टाइम में आपने स्काई में रेनबो देखा है, उसी तरह से मैंने अपने आईज़ पर भी एक रेनबो वाला लुक क्रिएट किया है। आई होप आपको ये लुक अच्छा लगेगा। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो इस लुक को मैंने कैसे क्रिएट किया है, चलिए देखते हैं। फर्स्ट अपनी स्किन को प्रिपेयर करने के लिए मैं जीवा का रोज टोनर अप्लाई कर रही हूँ। इसे जस्ट स्प्रे करना है और पैट करके अपनी स्किन में ड्राई कर लेना है, जिससे कि स्किन लॉन्ग टाइम तक हाइड्रेट बनी रहती है। और मॉइस्चराइजिंग क्रीम के लिए मैंने ये नीविया की क्रीम ली है। अगेन ये भी बहुत लाइट वेट है समर के अकॉर्डिंग, और इसे एब्जॉर्ब कर देना है स्किन में और 5 मिनट तक छोड़ने के बाद प्राइमर अप्लाई करना है। प्राइमर के लिए मैंने वेट एंड वाइल्ड का प्राइमर लिया है, ये मैट प्राइमर है। अगेन समर के लिए आपको बिल्कुल स्वेट प्रूफ लुक देता है, तो अगर आपकी स्किन ऑयली है तो इसे अप्लाई करें। और लिप को मॉइस्चराइज करने के लिए मेबलिन का लिप बाम है। और फाउंडेशन के लिए मैं मीडियम टू फुल कवरेज फाउंडेशन ले रही हूँ, ये लॉरियल का फाउंडेशन है। शेड मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगी। और इसे जस्ट फिंगर से इस तरह से अप्लाई करना है, डैम ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से पूरा फोटो फिनिश लुक देने के लिए इसे अप्लाई कर रही हूँ। इसे बिल्कुल ड्रीम लाइक ब्लेंडिंग हो जाती है। मेबलिन का ही ये लूज पाउडर लेते हुए मैं इसे डैम ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से अपने फाउंडेशन को लॉक कर रही हूँ। ऐसा करने से जब समर में आपके जो स्वेट होता है वो बाहर नहीं निकलता है, एकदम मैट फिनिश वाला लुक आता है, तो इसे ज़रूर अप्लाई करें। अब मैं आईब्रोज पे वर्क कर रही हूँ। आईब्रोज के लिए मैंने ये एल्फ का आईब्रो पोमेड लिया है और इसे स्पूली से सेट करने के बाद मैं लगा रही हूँ। नेक्स्ट मैंने ये कलर करेक्टिंग पैलेट लिया है फ्रीडम का, जिसे कि एक लाइनर ब्रश की हेल्प से शेप ड्रॉ कर रही हूँ। जैसे मैं कर रही हूँ वैसे ही आप बिल्कुल ड्रॉ करें और देन एंगुलर ब्रश की हेल्प से इसे पूरा फिल कर दें। मोस्ट ऑफ ये 2 शेड लाइटर आपका कंसीलर होना चाहिए, जिससे कि शेप बहुत उभर के ऐसे आएगा कि आपको कहाँ पे कलर अप्लाई करना है और जो भी कलर आप लगाएंगे वो पॉप आउट होके आएंगे। और मैंने ये मॉर्फी की 35B पैलेट ली, जिसमें कि मैं ऑरेंज एंड रेड कलर मिक्स करते हुए अप्लाई कर रही हूँ इनर मोस्ट कॉर्नर पर। सेकेंड शेड मैंने ये येलो लिया है और येलो को भी इस तरह से जो शेप ड्रॉ किया था उसी तरह से डिपॉजिट करते जाना है। आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि आगे हर बार आप ब्रश बहुत क्लीन लें या नेक्स्ट न्यू ब्रश लें, क्योंकि कलर ब्लेंड बहुत अच्छे से होगा और अगर आप ब्रश क्लीन नहीं लेते हैं तो कलर प्रॉपरली निखर के नहीं आएंगे। इसलिए ज़रूरी है कि आप ब्रश क्लीन लें या फिर अलग सा ब्रश चूज़ करें। और अब ग्रीन कलर के बाद में मैं ये ब्लू कलर अप्लाई कर रही हूँ। जैसा मैंने शेप ड्रॉ किया है उसी के आगे इसको लगाते जाना है और हल्का सा ब्लेंडिंग करते जाना है। और आउटर मोस्ट कॉर्नर पे मैं ये पर्पल कलर अप्लाई कर रही हूँ और ये एज वाइन कंसीलर से मैं अपनी अंडर आई पर इसे अप्लाई कर रही हूँ, जिससे अगेन जो कलर मैं अप्लाई कर रही हूँ बहुत ही पॉप आउट होके आएंगे। और सेम कलर मैं अप्लाई कर रही हूँ जो कि मैंने अपर लिड पर अप्लाई किए हैं, उन्हीं को उसी के सिक्वेंस में लगाना है। और अब मैं ये पैक का जेल लाइनर अपनी वाटर लाइन पर अप्लाई कर रही हूँ, कोई भी आईलाइनर नहीं अप्लाई करूंगी। और आईलैशेस को कर्ल कर ले रही हूँ इस आईलैश कर्लर से। देन मस्कारा के लिए मैंने मेबलिन का कोलोजल मस्कारा लिया है, एक वाटरप्रूफ मस्कारा है, तो इसे अपर लैशेस एंड लोअर लैशेस पर अप्लाई कर लेना है। और आईलैश के लिए मैंने बेफोलिन मिंक आईलैशेस अप्लाई की हैं, ये आपको बहुत आसानी से अमेज़ॉन पर मिल जाएंगी, तो अगर आप चीप एंड बेस्ट आईलैशेस चाहते हो तो इसे ज़रूर ट्राई करें। और कॉन्टूर करने के लिए मैंने ये वेट एंड वाइल्ड का पैलेट लिया है, जो शेडोइंग एरिया है उन पर मैं ये अप्लाई कर रही हूँ ये ब्रॉन्जर, जिससे कि एक डेप्थ आ जाएगी और एक डायमेंशन क्रिएट हो जाएगा। और चीक्स को रोजी रोजी दिखाने के लिए मैंने फ्रीडम प्रो का ब्लशर लिया है और इसे एकदम एप्पल ऑफ चीक्स पर मैं अप्लाई नहीं करती हूँ, थोड़ा साइड पे अप्लाई करती हूँ, जिससे कि लिफ्टेड लगते हैं और आपका फेस चबी नज़र नहीं आता है। सो चीक बोन पर अप्लाई करके इसे अपने ब्रॉन्जर के साथ थोड़ा सा मिक्स कर देना है तो ब्लेंडेड लगेगा। और फेस को हाईलाइट करने के लिए प्रेशियस पेट्रोल वेट एंड वाइल्ड ब्रांड का
हाइलाइटर है, इसे ये फैन ब्रश की हेल्प से अपने जो भी हाइलाइटिंग पॉइंट हैं फेस के उन पर अप्लाई कर ले रही हूँ। एक हेल्दी ग्लो इससे ऐड हो जाता है फेस पर, तो इसे मैं ब्रो बोन एंड इनर कॉर्नर पे भी अप्लाई कर रही हूँ, सेम जो हाइलाइटर है। और लिप्स को डिफाइन करने के लिए ये स्विस ब्यूटी का लिप लाइनर है, इसे अप्लाई करके लिप्स को डिफाइन कर ले रही हूँ। और मैंने आईज़ बहुत ही ड्रामेटिक की हैं, कई कलर अप्लाई किए हैं, इसके लिए मैंने ये लिप्स को न्यूट किया है और ग्यूमी मोका शेड अप्लाई कर रही हूँ जो एक लिक्विड लिपस्टिक है। और थोड़ा सा लिप्स पे थोड़ा शाइन ऐड करने के लिए मैंने ये एसेंस का लिप ग्लास लिया है। और मेकअप को सील करने के लिए अब कलर बार का सेटिंग स्प्रे से पूरा मेकअप लॉक हो जाएगा। और अब मैं आपको फाइनल लुक दिखा रही हूँ, ये है मेरा फाइनल लुक। अपने ईयरिंग्स चेंज किए हैं, थोड़ी सी हेयर स्टाइल चेंज की है और आप देख सकते हैं कि कितने सारे कलर्स मेरी आईज़ में ऐड हो गए हैं। सो ये लुक स्पेशली उन लोगों के लिए है जिन्हें ब्राइट कलर बहुत पसंद है और उन्हें लगेगा कि किस तरह से ब्राइट कलर अप्लाई करके आई लुक कैसा क्रिएट हो जाता है। और स्पेशली ये लुक उन लोगों के लिए भी है जिन्हें कलर से थोड़ा सा हेजिटेशन होता है। आप यकीन मानिए कि अगर ये लुक मेरे ऊपर अच्छा लग रहा है तो आप पर भी ऐसे कलर अप्लाई करके बहुत अच्छा लगेगा। आई होप आपको ये रेनबो आई मेकअप लुक अच्छा लगा होगा, और अगर ऐसा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक शेयर एंड कमेंट करके ज़रूर बताइए। आप मुझे सोशल मीडिया फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। जो भी प्रोडक्ट मैंने अप्लाई किए हैं उन सभी की डिटेल मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। सो कीप वॉचिंग, टेक केयर, स्टे स्टाइलिश। जल्द ही मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में अपने नए लुक के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।